अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग कह रहे थे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और उसमें हम आगे चलते हैं क्योंकि टॉपिक जरा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपसे मैनेजमेंट अक्सर पूछते हैं और आपसे कॉम्प्लिकेशन पूछते हैं तो इसकी हर तरह से बातें आती होती है, इसलिए आपने इसको करना है। ठीक है, वही पैनक्रियाज में से मैंने आपको बताया यही सबसे ज्यादा आया करता है। तो आपके पास एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में इन्वेस्टिगेशन के बाद ज्यादा से बात करने की, अगर इसमें सिवेरिटी का असेसमेंट किस तरह से की जाती है, तो एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि हमारे पास ना कोई बहुत डेफिनेट सी बात या बहुत डेफिनेट रूल नहीं है कि हम ये टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि पेशेंट को एडिमेटस पेनक्रियाटाइटिस है या नेक्रोटाइजिंग है या हेमरेजिक है और हमें क्लियर कट समझ आ जाएगा कि यस ये वाला पेनक्रियाटाइटिस अभी एडिमेटस स्टेज में और ये नेक्रोटाइजिंग में कन्वर्ट हो सकता है, ये एडिमेटस से नेक्रोटाइजिंग में नहीं कन्वर्ट होगा। ऐसी कोई हमारे पास डेफिनेट मार्कर नहीं है, डेफिनेट रूल नहीं है इसको एस्टेब्लिश करने का। ठीक है, बहुत सारा के तरह के क्राइटेरिया जरूर बने हुए हैं लेकिन कोई डेफिनेट रूल नहीं, इसी वजह से हमारे पास पेनक्रियाज को ट्रीट करना और पेनक्रियाज की मोर्टेलिटी रेट को मोर्टेलिटी रेट जो बहुत ज्यादा है क्योंकि पेशेंट्स को हम नहीं एक हम अंदाजा जरूर कर सकते हैं लेकिन हम डेफिनेट एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। जिस तरह हमें गॉलस्टोन नजर आ रही है कि सीबीटी में फंस गया कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें पता है कि पेशेंट को बहुत सिवियर पेन होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, वो पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हमें नहीं पता चलता कि नेक्रोटाइजिंग है एडिमेटस, ऐसे क्लियर कट ही पता चलता। तो इसलिए हमारे पास ये बड़ी एक प्रॉब्लम है पेनक्रियाज को ट्रीट करने की। दूसरी हमारे पास पेनक्रियाज में प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर किसी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं पेनक्रियाटाइटिस की, जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपकी लोकल लेवल पे भी बहुत ज्यादा है, वो आपकी सिस्टेमिक लेवल पे भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बाद सिवेरिटी में आपके पास मैंने बताया जिस तरह की आपको माइल्ड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। माइल्ड एक्यूट का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक छोटा सा इवेंट हुआ है, बहुत सिवेयर पेनक्रियाटाइटिस नहीं हुआ, सिंपल सी इन्फ्लेमेशन थी, रिजोल्व कर गया आपकी नॉर्मल सी मैनेजमेंट से। और अगर सिवेयर पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा, सिवेयर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, तो हो सकता है कि उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता सेल डेथ हुई, नेक्रोसिस शुरू हो गया हो, कोई एब्सेस बन गया हो, तो जाहिर है वो आपका सिवेयर में चला जाएगा। तो बहरहाल वी कैन नॉट एग्जैक्टली जज, ये याद रखना, ये बुक में नहीं लिखी हुई बात। अच्छा, हमारे पास जो क्राइटेरिया जो सबसे रैपिडली सबसे ज्यादा अप्लाई किया जाता है और हमारे सेटिंग्स में भी नॉर्मली क्लिनिकल सेटिंग्स में यही क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, वो रैनसन्स क्राइटेरिया है, जिसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हम पेशेंट को कुछ उसके टेस्ट्स कराते हैं जब वो आता है हमारे पास ऑन एडमिशन और कुछ करवाते हैं आफ्टर 48 आवर्स यानी 2 दिन के बाद, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पेशेंट रैनसन्स क्राइटेरिया में कहां पर फॉल करे तो हमें पता चलता है कि इसकी कितनी परसेंट मोर्टेलिटी रेट बनता है। ठीक है, अच्छा, रैनसन्स क्राइटेरिया में सबसे पहले हमने कुछ टेस्ट जो कराने हैं जो ऑन एडमिशन है, यानी जब पेशेंट आएगा फॉरन हमें सस्पिशन है कि हमारा पेशेंट पेनक्रियाटाइटिस का, हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, हमने माइलेज लैबेज कराया, हमें कन्फर्म हो गया, हम उसे कुछ टेस्ट कराएंगे जो ऑन एडमिशन होंगे, उसको आप इस्तेमाल से याद रखेंगे गॉल से। ठीक है, गॉल ETOH, मैंने ये पर्सनली नहीं बनाया है, इंटरनेट से कई एक निमोनिक है और ये अच्छा था तो इस वजह से मैंने कहा आई शुड टेल यू। तो गॉल ETOH, गॉल वाले टेस्ट है जो आपने ऑन एडमिशन कराने के, आप ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट होना चाहिए, उसकी एज कितनी है, एज मोर देन 55 ईयर्स, ठीक है, ये भी यहाँ पर पॉइंट होता है इसका। एल से देन ल्यूकोसाइटोसिस, जो बेसिकली आपका व्हाइट ब्लड सेल का टेस्ट है कि WBCs टोटल आपके इंक्रीज हो जाते हैं, और आखिरी एल है अबाउट योर LFTs, LFTs सारे इसमें रोल नहीं प्ले करते, यहाँ पर बेसिकली आपका होता है इलेक्टेड डिहाइड्रोजनेस LDH और साथ AST। तो आपका गॉल से ये पांच, अगर आपने खुल कर दिया, आपने याद रखने के लिए गॉल लिखना है, आपने असल में गॉल नहीं लिखना, असल में आपने इस ऑर्डर में लिखना है, एज देन आपका LDH कर लें, आप LFTs कर लें, आप अपने ल्यूकोसाइटोसिस कर लें, और आप उसके बाद करेंगे जी से ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज, ये होते हैं आपने ऑन एडमिशन कराने हैं। जाहिर सी बात है कि इनका कितना लेवल नॉर्मल होता है, कितने से ज्यादा होगा तो आप उसे स्कोर देंगे। आपके पास हर इस एक चीज के आगे ना स्कोर होता है, मतलब एज का कोई अगर 55 से ज्यादा एज होगी तो उसका एक स्कोर होगा, अगर ल्यूकोसाइटोसिस एक रेंज से ज्यादा होगा तो उसका स्कोर होगा, वो स्कोर आप साथ साथ लगाते जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट किस जगह लाइक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक चीज कंप्लीट हो जाती है, तो पांच चीजें आपने याद रखनी है। फिर आपके पास अगला आता है जो अपने 48 आवर्स के बाद टेस्ट कराने हैं, उसमें ETOH में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कैल्शियम आता है इसमें। आप मैंने ई से बताया, इसमें मैं निमोनिक था तो ई से बनाया हुआ, वरना दिस इज योर कैल्शियम, मैंने आपको बताया कि कैल्शियम किस तरह से चेंज हो रहा होता है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये कि हमने इसको रैनसन्स क्राइटेरिया में भी रखा हुआ है। ठीक हो गया जी, उसके बाद जो टी से है वो थर्ड स्पेस के चेंजेस है, थर्ड स्पेस का मतलब ये होता है कि हमारे पास पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट्स में ना बहुत तेजी से डिट्रियोडेशन हो रही होती है और बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस की वजह से एक तो लिवर भी डैमेज हो रहा है क्योंकि उसके पास इन्फ्लेमेशन है और क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक से नहीं बन रहे, एल्ब्यूमिन ठीक से नहीं बन रहा, ठीक है, लिवर के सेल्स जब डैमेज होते हैं तो एल्ब्यूमिन के मसला आ जाता है बनने में, और दूसरा आपके पेनक्रियाटाइटिस के एंजाइम्स आपकी किडनी को डैमेज कर रहे हैं, उसकी वजह से एल्ब्यूमिन का लेवल मजीद डिक्रीज होता है। जब बॉडी में या ब्लड में एल्ब्यूमिन डिक्रीज होता है तो आपको पता है कि हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया की वजह से बॉडी पूरी में जनरलाइज एडिमा होने लग जाता है। जनरलाइज एडिमा का मतलब है कि सारा का सारा फ्लूइड आपके वैस्कुलर सिस्टम से शिफ्ट होकर आपकी थर्ड स्पेस में यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाने लग जाएगा। तो टी स्टैंड फॉर थर्ड स्पेस फ्लूइड कलेक्शन,
यानी कि आपकी जो फ्लूइड है वो शिफ्ट होने लग जाता है, उसके साथ आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल ये भी इंक्रीज कर रहा होता है, तो टी में ये दो चीजें आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ओ स्टैंड्स फॉर योर ऑक्सीजन, आपने चेक करना होता है कि आर्टीरियल ऑक्सीजन कितना है, जिसके लिए आप एबीजीज कराते हैं और वो भी डेफिनेटली डिक्रीज होगा। और आपका हेमाटोक्रिट, हेमाटोक्रिट शो करता है, मैंने आपको पहले बताया जितना हेमाटोक्रिट कम होता है उतना खून थिक होने का हम कहते हैं कि चांस है, जितना हेमाटोक्रिट ज्यादा होता है उतना खून पतला होता है। तो ये आपकी चीजें जो आपने 48 आवर्स के बाद करानी है। हर किसी का एक रेफरेंस रेंज है और रेंज के आगे एक नंबर है। उसके बाद जब आपके पेशेंट का हम टोटल नंबर करते हैं उसे फिर हम देखते हैं कि वो किस जगह पर फॉल कर रहे हैं। 0 से 2 वालों का अगर 0 से 2 के अंदर है तो इसका मतलब है कि उसकी मोर्टेलिटी रेट 0% है, और अगर वो मोर देन 6 उसका नंबर आ जाए इसका मतलब है कि उसकी मोर्टेलिटी का रेट 70-90% है। ठीक है, इसके बीच में और भी है बताने का, उसे टेबल्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। नाम लाजमी याद रखना है, रेंजेस ना याद रखें, नंबरिंग ना याद रखें, नाम पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपने ऑन एडमिशन करानी है, क्या क्या आपने आफ्टर 48 आवर्स करानी है, उसका निमोनिक मैंने आपको बता दिया। हम क्या करते हैं, पेशेंट का लाइसेंस क्राइटेरिया करते हैं, उसके अलावा आपने उसका पेशेंट का जीसीएस करना होता है, ग्लास्गोकोमा स्केल होता है, आपको पता है कि आपने उसमें 3 तरह के रिस्पॉन्सेज चेक करने हैं, और वो 15/15 हो तो नॉर्मल होता है, उससे कम होता जाए तो आपका कम होता जाता है, मतलब जाहिर सी बात है वो भी आपका शो करता है कि पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है। जीसीएस के बाद आपका एक और चीज होती है सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो आपने लाजमी करनी है क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, उसका लेवल जितना ज्यादा होगा वो भी आपकी कंडीशन डिटेरियोरेशन शो करती है। और उसके बाद आपका एक होता है एपेक स्कोर, ठीक है, एपेक 2 स्कोर बेसिकली, ये एपेक 2 स्कोर ना आपका बेसिकली जो स्कोर है दिस नॉट स्पेसिफिकली फॉर पेंक्रियाटाइटिस, ये आपका आईसीयू स्कोरिंग सिस्टम में होता है। आईसीयू में जो पेशेंट्स क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं उनमें आप एपेक स्कोर अप्लाई करते हैं और आप देखते हैं कि क्या ये पेशेंट, जितना एपेक स्कोर ज्यादा होते हैं उतनी उसकी मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये चार चीजें करके कंबाइन फिर आप जो है पेंक्रियाटाइटिस के पेशेंट की असेसमेंट करते हैं कि उसका प्रोग्नोसिस कैसा आएगा। ठीक है, रैनसन्स है, जीसीएस है, सीआरपी एंड एपेक 2 स्कोर, जिसमें से आपको रैनसन्स का नाम डिटेल से आने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है पेंक्रियाटाइटिस की। तो मैंने कहा था कि इसकी बड़ी ये बात है कि इसकी लोकल भी होती है सिस्टेमिक भी होती है। लोकल में हो सकता है कि आपके पास पेंक्रियास के आसपास जाहिर सी बात है पेंक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन हुई है, वहां पर सारे एडिमा हो जाए, फ्लूइड कलेक्शन हो जाए, और फ्लूइड कलेक्शन जो बात होगी वहां पर होता है किसी भी जगह पर जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो एडिमा होता है, लेकिन ऐसा ऐसा वो चीज जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट होती है तो वो जगह का फाइब्रोसिस हो जाता है, तो आसपास सारा फाइब्रोसिस हो जाए, एडहीजन बन जाए, तो ये आपका और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये अब आपका पेंक्रियाटाइटिस पेंक्रियाज अगर फ्लूइड कलेक्ट हुआ था एडिमा के टाइम पे सारा, तो ये बाद में क्या बनेगा, हो सकता है कि इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो एब्सेस बन जाएगी, इन्फेक्शन नहीं होता तो एक सूडोसिस्ट की तरह की अपेयरेंस आ जाएगी, ऐसा लगेगा एक सिस्टिक कैविटी पड़ी हुई है, हालांकि वो होगा सिर्फ फ्लूइड। तो ये आपकी होती है लोकल कॉम्प्लिकेशन की पहली चीज, विच इज एक्यूट फ्लूइड कलेक्शन, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या हो सकती है कि आपका, मैंने जिस तरह कहा कि सिंपल पेंक्रियाटाइटिस है तो सिंपल है, लेकिन जब अगर सेल डेथ स्टार्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस या नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस, दूसरे लफ्जों में इसी को कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी हो सकता है। उसके साथ साथ हमारे पास यही अभी मैंने आपको बता भी दिया सूडोसिस्ट के बारे में कि अगर ये जो फ्लूइड कलेक्टेड था, जाहिर सी बात है कि सिस्ट तो तब बनती है ना जब उसके गिर्द कोई ना कोई वॉल हो, कोई फाइब्रस, कोई छोटी सी पतली सी वॉल होती है तो सिस्ट होती है। तो अगर इस फ्लूइड के गिर्द एक ग्रेनुलेशन टिश्यू ने पतली सी वॉल बना दी है और अब वो लग रहा है कि हमारा सिस्ट जैसे, तो उसको हम सूडो सिस्ट कह रहे हैं कि असली सिस्ट ये नहीं होती, असली सिस्ट की वॉल एंडोथीलियम से बनी हुई होती है, इसकी वॉल ग्रेनुलेशन टिश्यू से बनी हुई होती है, ये डिफरेंस होता है असली सिस्ट और सूडो सिस्ट में। और मैंने बता भी दिया आपको कि हो सकता है इन्फेक्शन होगा तो एब्सेस बन जाएगी, अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया और आपकी पेरिटोनियल कैविटी में फंस गया चला गया तो एसआईटीज हो जाएंगी, तो सारी लोकल कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है, इनमें कोई ऐसी बहुत मुश्किल सी बात है ही नहीं। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, अब आपके पास आगे पीछे दाएं में जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं ना उनको आप इन्वॉल्व कर लें, पेनक्रियास से ऊपर चले ऊपर से शुरू करते हैं, लंग्स पड़े हुए हैं, लंग्स को इन्वॉल्व करेगा, प्लूरा में जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन करेगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा इन्फेक्शन तो नमोनिया कर देगा। उसके अलावा आपके पास अगर यहाँ पर लंग्स के दरमियान में हार्ट पड़ा है, हार्ट की अगर तरह इन्फेक्शन यहां तक चला जाएगा मतलब आपका पेरिकार्डियल कैविटी को इन्वॉल्व करेगा तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एक चेंज आ सकती है। उसके अलावा मैंने कहा कि अगर हेमरेजिक पेंक्रियाटाइटिस होती है तो आपका पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जा सकता है, और उसके साथ साथ अगर आपका सिंपल पेंक्रियाटाइटिस भी है और आपका सारा का सारा फ्लूइड जो है वो एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से थर्ड स्पेस में जा रहा है तो भी हाइपोवोलेमिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, क्योंकि पेशेंट का ब्लड का वॉल्यूम कम होता जा रहा है थर्ड स्पेस में जाने की वजह से। मैंने आपको बता दी कि एल्ब्यूमिन क्यों कम होगा, क्योंकि लिवर भी सही एल्ब्यूमिन नहीं बना रहा, किडनी एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट ज्यादा कर रही है। देन हमारे पास जीआईटी में आपके आगे स्टमक पड़ा हुआ पेप्टिक अल्सर बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपका नीचे कॉलन पड़ा हुआ कॉलन अल्सर बन सकता है। तो इस तरह की मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब ये सारी ऐसी कोई मुश्किल सी बातें नहीं। आगे चलते हैं मैनेजमेंट पे, ये तो सिंपल सी सारी बातें आ जाती हैं। मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट,
अब आपने ना याद रखनी एक बात, एक रूल याद रखना है कि ट्रीटमेंट ऑफ पेनक्रियाटाइटिस इज ऑलवेज सपोर्टिव। पेनक्रियाटाइटिस में कभी भी आपकी कोई डेफिनेट रूल वाली ट्रीटमेंट नहीं होती कि हमने जाके पेनक्रियास को खोल देना है, सर्जरी कर देनी है, या फिर हमने पेनक्रियाटाइटिस में हमेशा एंटीबायोटिक्स देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है पेशेंट की कंडीशन, उसके टेस्ट आपको बताते हैं कि आपने उसको क्या क्या देना है। एक माइल्ड अटैक है पेनक्रियाटाइटिस का, यानी पेशेंट आया आपने वो इसी कंप्लेन के साथ आया है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, वॉमिटिंग है, सवेर है, और आपने उसके टेस्ट कराए, आपको माइलेज लाइपेज रेज मिल गया, अल्ट्रासाउंड पे आपको थोड़ी सी सस्पिशन हुई कि पेनक्रियाटाइटिस है। आपने उसके बाद पेशेंट की बाकी सारे टेस्ट कराने, ब्लड सीपी एलएफटी ये वाले कैल्शियम वगैरह, उनसे आपको अंदाजा हुआ कि अभी बहुत सिवियर कंडीशन नहीं है, माइल्ड है, पेशेंट का जीसीएस नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। आप उसको क्या करेंगे, फॉरन एडमिशन करेंगे पेशेंट का, कभी भी उसको एंटीबायोटिक दे के भेज नहीं देते, ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस में ऐसे नहीं होता होता। आप पेशेंट को एडमिट करते हैं, एडमिट करके फौरी तौर पे आप सबसे पहले उसको आईवी फ्लूइड देना शुरू करते हैं, ठीक है। आईवी फ्लूइड के साथ आप उसके वाइटल्स को मॉनिटर लाजमी करते हैं कि वाइटल्स कहीं खराब तो नहीं हो रहे, साथ आप उसको पेन के लिए बहुत अच्छे वाला एनल्जीजिया देते हैं, मैंने बताया था ओपीएट्स देते हैं ज्यादातर, ट्रेमेडोल, और अगर जरूरत हो तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, वरना नॉट ऑलवेज गिवन, ठीक है, नॉट ऑलवेज, क्योंकि इंडिकेटेड नहीं होती। हमने कह रहे पेनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन आपकी सिंपली गॉल स्टोन की वजह से भी हो सकती है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई इतना रोल नहीं है। तो आपने याद रखना है कि आपने ये देनी है सपोर्टिव ट्रीटमेंट एक माइल्ड अटैक के पेशेंट को, सारी सपोर्टिव है, इसमें कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया जो खास पेनक्रियाटाइटिस के लिए, तो सिंपल से हमने पेशेंट को सपोर्ट किया। अक्सर पेशेंट्स 2 से 3 दिन के अंदर आपको काफी रिकवरी दिखा देते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फिर आप उनको घर भेज देते हैं, और अगर आपको कोई गॉल स्टोन नजर आ रही थी तो आप उसको ट्रीट करते हैं, यानी सिस्टेक्टमी कर देंगे या गॉल स्टोन रिमूव कर देंगे। अगर सवेयर पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है जिसका जीसीएस भी डिक्रीज हुआ है, जिसका रेंसन क्राइटेरिया पे भी वो खराब आ रहा है, और कैल्शियम बहुत कम हो गया है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है सवेयर अटैक में है पेशेंट, उसमें आपने क्या करना है, फौरन एडमिट करना है उसको आईसीयू में, उसका एनजी ट्यूब डाल के सबसे पहले तो जो कुछ ऊपर स्टमक है वो सब एस्पिरेट करना है, आईवी फ्लूइड्स देना शुरू करेंगे, साथ उसको एनर्जेसिक एंटीबायोटिक देंगे, ये तो डेफिनेट सी बात है, मतलब ये तो आपने इनिशियल रिसेसिटेशन करनी है। अगर उसका हाइपोक्सिक लग रहा है आपको, डिस्नेक लग रहा है, तो आप हो सकता है आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करनी पड़े और आपको उसे उस तरह ऑक्सीजन देना पड़े, मतलब वेंट पे शिफ्ट करना पड़े। हो सकता है अगर वो जीसीएस ठीक है उसका और वो कॉन्शियस है तो आप उसको ऑक्सीजन बैग से ऑक्सीजन दें, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। और साथ साथ पेशेंट की मुस्तकिल मॉनिटरिंग वाइटल्स की, ब्लड सीपी, ईएसआर, आरएफटी, एलएफटी, इलेक्ट्रोलाइट्स, सब बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने देखना होता है कि अगर पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होती है कि हम उसका सीटी स्कैन कराते हैं, देखते हैं कि रीजन क्या थी। स्टोन है तो हमें थोड़ा सा वेट करके, जब उसकी कंडीशन नॉर्मल थोड़ी सी नॉर्मल होती है तो 72 आवर्स तक हम वेट करते हैं, यानी 3 दिन, और हम फिर ईआरसीपी से स्टोन रिमूव करते हैं और बस उसको छोड़ देते हैं। कोलिसिस्टेक्टमी उस वक्त नहीं करते जब तक पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं हो जाती, जब उसकी हालत काफी बेहतर हो जाती है फिर हम उसकी स्टोन जो है वो रिमूव करते हैं, और उसके बाद उसका गॉल ब्लैडर को हम रिमूव करते हैं, और फिर उसके बाद उसकी बाकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कि एनजी ट्यूब पास करके रिमूव कर लेना, फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स है, मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल्स है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, यूरिनरी आउटलेट मेजरमेंट है, और बाकी सारे सिस्टेमिक मेजर्स की, अगर आपका किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है तो डायलिसिस पे भेजेंगे, अगर आपका पेशेंट हाइपोटेंसिव है और वो उसका हार्ट आपको लग रहा है कि वो शॉक की तरफ जा रहा है तो आप उसको आइनोट्रोपिक ड्रग्स देंगे, यानी वो ड्रग्स जो आपके हार्ट की पंपिंग एबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो ये आपके सारे के सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको शो करते हैं कि आपने पेशेंट को सवेयर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस का कितना रोल है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर पेशेंट बहुत सवेयर नेक्रोसिस में जा रहा है, मतलब इन्फेक्टिव नेक्रोसिस है उसको, और हमारी ये सारी की सारी जो सपोर्टिव मेजरमेंट है इसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा, तो पहला काम ये करते हैं हम कि सीटी गाइडेड नीडल पास करते हैं, मतलब सीटी स्कैन से ऊपर हम देख रहे होते हैं और एक नीडल हम पास करते हैं जिससे व्हाइट बोर्ड नीडल होते हैं जिससे हम नेक्रोटिक मटीरियल सादा रिमूव करें और ड्रेन डाल दें ताकि वो नेक्रोसिस का मटीरियल और जो एडिमेटस फ्लूइड है वो ड्रेन हो जाए, ताकि पेशेंट किसी तरह कंजर्वेटिवली ही मैनेज हो जाए और ओपन सर्जरी ना करनी पड़े। हम क्यों पेनक्रियास में जल्दी जल्दी ओपन करके नहीं ठीक करना चाहते, क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस की ओपन सर्जरी करने में भी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है, इतनी एनाटॉमी खराब हुई भी होती है, इतना पेशेंट की फ्लूइड कलेक्शन, एडिमा और टिश्यूज की फ्रिजिलिटी हुई भी होती है, इतना नेक्रोटिक टिश्यू होता है कि आपका ओपन करने पे भी आपको फायदा ज्यादा नहीं हो पाता, इस वजह से आपकी कोशिश होती है कि आप कंजर्वेटिवली मैनेज करें, फिर भी नहीं ठीक होता तो फिर आपको सर्जरी करनी है। सर्जरी में उसको जो आपका प्रोसीजर है कि आप एब्डोमेन को ओपन करेंगे और नेक्रोटिक टिश्यू रिमूव करेंगे, उसको नेक्रोसेक्टमी कहते हैं, ये आपका आता होता है अक्सर एमसीक्यू में लफ्ज लिखा हुआ, बच्चों को समझ नहीं आता याद रखें, नेक्रोसेक्टमी इज रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक पेनक्रियाटिक टिश्यू।
तो आप उसको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद एक ही तरीका होता है कि उसके बाद आप ड्रेन डाल दें। डबल ड्रेन होता है, दो ट्यूब्स होती है, एक तरफ से एक होती है, दूसरी तरफ से दूसरी आ रही होती है, तो एक तरफ से आप उसको सलाइन से इरिगेट करते रहते हैं, दूसरे से ड्रेन होता रहता है, इस तरह ताकि आप ड्रेन होता रहे वो जो भी नेक्रोटिक टिश्यू बन रहा है, क्योंकि जाहिर है कुछ ऐसा तो वो बनता रहेगा ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होगा। और दूसरा ये होता है कि आप उस वक्त उसका नेक्रोटिक टिश्यू रिमूव करें, बंद कर दें एब्डोमेन, और फिर आप 48 आवर्स के बाद दोबारा खोलें, और दोबारा से जो नेक्रोटिक टिश्यू और जो कुछ फ्लूइड कलेक्ट हुआ फिर रिमूव करें, फिर बंद कर दें, फिर खोलें, फिर बंद करें। तो ये पेशेंट्स बहुत मॉर्बिडिटी में रहते हैं, बहुत पेन में रहते हैं, क्योंकि बार बार एब्डोमेन खोलना बंद कराना कोई आसान काम नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा इसकी जो इनिशियल बेहतर मैनेजमेंट है वो सपोर्टिव है। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला हो कि नास्मिन, थैंक यू।